हाय एवरीवन, हम लोग आज सीखने वाले हैं किचन के। किचन्स में हम लोग जो भी कंपोनेंट ऐड करेंगे दैट वी आर गोइंग टू लर्न। समझ, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो फ्लोर प्लान बनाया उसको हम लोग ओपन करते हैं। सो लेट्स लर्न, यहाँ पे जो किचन है इसमें हम लोग को किचन इंसर्ट करना कैसा वो देखते हैं। समझ लीजिए, नीचे तो इसको डिलीट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज योर किचन एरिया, बराबर। हम लोग 3D में जाके देखते हैं, तो दिस इज योर लिविंग रूम और ये किचन है अपना। सो किचन में मुझे क्या चाहिए, सब किचन कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। सो यहाँ पे लेवल वन पे क्लिक कर दो। ओके, किचन जब ऐड करना है किचन के लिए, तो यहाँ पे कंपोनेंट में, प्लेसर कंपोनेंट में क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको लोड फैमिली देना है। ओके, लोड फैमिली देने के बाद यहाँ पे मेन जो फैमिली का सेक्शन आएगा इंडिया, यहाँ पे आपको केस वर्क लेना है। क्या लेना है? केस वर्क। केस वर्क पे डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो बेस कैबिनेट आएगा, वॉल कैबिनेट आएगा, टेल कैबिनेट आएगा। ऐसा बेस कैबिनेट से नहीं कह रहते हैं, जो बॉटम में कैबिनेट्स आप यूज़ करने वाले हो। ओके, और काउंटर टॉप से नहीं, जो कैबिनेट के ऊपर हम लोग टॉप यूज़ करेंगे, दैट इज़ मार्बल आपका जो भी है यूज़ कर रहे हैं। टेल कैबिनेट्स यानी जो बॉटम से टॉप तक ऊपर तक जा रहा है, एंड वॉल कैबिनेट्स यानी अपर कैबिनेट जो हम लोग वॉल को अटैच कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं, बेस कैबिनेट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे बेस कैबिनेट क्लिक किया, सो यहाँ पे सिलेक्ट करते समय एक ही टाइप का सिलेक्ट करो। सो ये देखो वैनिटी बोल के, तो उसका हाइट अलग रहेगा, और नॉर्मल बेस कैबिनेट से तो उसका हाइट है। समझ लो, डिटेल्स बोलता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये एम वैनिटी कैबिनेट्स हैं, तो ये यही सिलेक्ट करो, नहीं तो बेस कैबिनेट है तो यही सिलेक्ट करो। नो इशू, आपको जो कैबिनेट चाहिए वो सिलेक्ट करो। इसका आपका हाइट डिफरेंस आएगा, सो वी हैव टू मॉडिफाई दैट। सो मैं थंबनेल्स में जाता हूँ। सो यहाँ से इधर तक कॉर्नर टॉप, कॉर्नर बेस कैबिनेट लेते हैं, फिलर लेते हैं, एम बेस कैबिनेट, ग्लास जो भी चाहिए हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ सिलेक्ट करते हैं। इसको ओपन किया मैंने। ओके, समझ लो मेरा किचन कैसा है, एल शेप में। क्या है एल शेप? एल शेप यानी यहाँ से ऐसे यहाँ पे जा रहा है ऐसा। समझ लो यहाँ पे हम लोग कॉर्नर कैबिनेट डालेंगे, और ये फुल फिल करते हैं, और ये हाफ वे तक है। समझ लो इधर हम लोग फ्रीज वगैरह सब इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसा दिखाना है। तो समझ लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट में प्लेस कंपोनेंट, यहाँ पे कंपोनेंट प्लेस किया। सो हम लोग यहाँ से पहला क्या लेते हैं, कॉर्नर वाला लेते हैं, एम बेस कैबिनेट। ओके, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ नीचे। ओके, नहीं है लोड, तो इसको लोड फैमिली देना। यहाँ पे हम लोग एम बेस कैबिनेट फॉर कॉर्नर लेते हैं, ओपन करता हूँ मैं। ये वाला ठीक है, इसको सिलेक्ट किया, स्पेस बार दबाता हूँ मैं, रोटेट हो गया, देन मेक इट अलाइन। ओके, हर बार आपको 3D व्यू देखना रहेगा। सो आप क्या कर सकते हैं, कैमरा ऐड कर सकते हैं, या 3D व्यू में जो भी प्लान यूज किया उसको बॉक्स डाल के आप लोग देख सकते हैं कैसा है। ओके, पूरा और नीचे तक देखना रहेगा, तो इसको थोड़ा और ये करना क्लिक, तो और दिखेगा। क्लियर? यहाँ पे लेवल वन में फिर से जाता हूँ, अगेन आई विल गो विद द कंपोनेंट। सो यहाँ पे हम लोग को अलग अलग लेंथ का बेस कैबिनेट्स मिलेगा। समझ लो 1000 कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देना। ओके, फिर यहाँ से मैं दूसरा लेता हूँ, समझ लो बेस कैबिनेट 1200। अब ये लेंथ ज़्यादा हो रहा है, सो इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, इट इज़ नॉट लाइक कि हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये वाला पोर्शन में 3D में देखता हूँ, से ऐसा दिख रहा है ना, ये उल्टा इंसर्ट हो गया रहेगा, तो इसको स्पेस दबा के रोटेट कर लो। ओके, 3D में देख लो अभी बराबर है ना। ओके, सो इसको भी स्पेस दबाओ। ओके, अलाइन कर देना, AL अलाइन। यहाँ पे मैं टैब दबाता हूँ, क्लिक, फिर से यहाँ पे टैब दबाता हूँ, क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको अलाइन कर दिया। क्लियर? अभी 3D में देखना, तो 3D में देखो। सो यहाँ पे आपका बेस कैबिनेट आ गया। क्लियर है? समझ लो यहाँ पे एक सिंगल
बेस कैबिनेट यूज़ करता हूँ। इसको मॉडिफाई करना आपको तो यहाँ पे एडिट देना, एडिट टाइप में देना। सो यहाँ पे देखो हाइट चेंज कर सकते हैं आप, इसका विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। आपको जैसे विड्थ चाहिए वैसा मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं। खाली इसको डुप्लीकेट क्रिएट करो और उसको कैबिनेट को मटेरियल देना है, डोर को अलग मटेरियल देना है, हैंडल को मटेरियल देना है, तो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, एवरीथिंग इज गेट मॉडिफाइड। नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ अगेन। मैं यहाँ पे 1200 वाला कैबिनेट लेता हूँ। सो फिर से प्लेस अ कंपोनेंट करना, यहाँ पे 1200 का कैबिनेट लेना, स्पेस स्पेस स्पेस, और यहाँ से इधर क्लिक करना। यहाँ पे अलाइन नहीं होता है, ओवरलैप होता है तो भी नो इशू। समझ लो यहाँ पे एक ही कैबिनेट यूज़ करें हम लोग। यहाँ पे इसको अलाइन करते, थिन लाइन कर देना, सॉरी थिन लाइन करता हूँ। ओके, एल अलाइन, और यहाँ पे क्लिक करके इधर अलाइन कर देता। क्लियर है, कुछ डाउट? अभी यहाँ पे गैप है तो यहाँ पे फिलर डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? फिलर। तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, आई यू सी एस क्रिएट सिमिलर। यहाँ पे फिलर बोल क्या आ रहा है देखो, एम बेस कैबिनेट फिलर। तो फिलर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे फिलर इंसर्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करना आपको फिलर, यहाँ पे फिलर को क्लिक करता हूँ। अभी फिलर जब आता है, फिलर कैन बी मॉडिफाइड। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके हम लोग इसका विड्थ चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं उसका अलाइन कर देता हूँ, 3D में जाता हूँ, तो यहाँ पे जो ओपनिंग है वो फिल हो गया। देखो फिलर से फिलर सेम इधर ही था एक्चुअली। समुद्र फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, सी एस क्रिएट सिमिलर लोड फैमिली से। यहाँ पे फिलर देखो, हम लोगों ने पूरा लोड किया इसके लिए, उधर है ऑलरेडी आया। अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट एम बेस कैबिनेट फिलर। अब फिलर लेके हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर, कुछ डाउट? एनी डाउट? ओके, नाउ इसके ऊपर मुझे काउंटर टॉप डालना है। मुझे क्या डालना है? काउंटर टॉप। सो कंपोनेंट में प्लेस अ कंपोनेंट करता हूँ लोड फैमिली। इसके लिए पहले फिर से लेवल वन लेना पहले से। ओके, कंपोनेंट में प्लेस लोड फैमिली पेज जब देता हूँ। ओके, काउंटर टॉप्स लेता हूँ। काउंटर टॉप्स में कॉर्नर चाहिए, एम काउंटर टॉप एल शेप। ए 001 जो है ना वो मत लेना, ओरिजिनल लेना, 004 नहीं। ये वाला लेते हैं हम लोग। ओके, लेकिन यहाँ पे इधर कॉर्नर है ना ऐसा, ये वाला लेना पड़ेगा हम लोग को। ये जो क्रिएट किया है ना वो ओरिजिनल को मॉडिफाई किया हुआ है, इसके लिए इसको मत लेना ऐसा बोल रहा हूँ। ओके, देखो इधर मॉडिफाइड किया हुआ है ऐसा। ओके, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, ओपन दिया मैंने एम काउंटर टॉप। ओके, यहाँ पे स्पेस बार दबाना, स्पेस बार, और यहाँ पे आपको कॉर्नर पे क्लिक करना, यहाँ पे कॉर्नर पे क्लिक करना। कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू अलाइन दैट, बरा यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे बराबर अलाइन है। यहाँ पे चेक करना प्रॉपरली अलाइन है, यस एग्जैक्टली अलाइन है। अगर वॉल से अलाइन नहीं रहेगा तो यू हैव टू मेक इट अलाइन, यानी यही ये समझ लो आगे पीछे ऐसा है वगैरह, थोड़ा अंदर अंदर है, तो यू हैव टू मेक इट अलाइन। ए एल अलाइन सिलेक्ट, और यहाँ पे आपको अलाइन कर देना उसको। ठीक है, अभी काउंटर टॉप में इधर तक एक्सटेंडेड नहीं है, हाफ वे तक आया ना, बराबर है। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, उसको एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये इधर देखो, इधर से स्ट्रेच करना है, इधर से स्ट्रेच करना है, और ये आपका वॉच समझ लो सिंक के लिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक किया, काउंटर टॉप ऑटोमेटिकली आके गया। यहाँ से इधर तक इसको क्लिक करना, यहाँ से इधर तक आ गया। 3D में जाके देखता हूँ, सो काउंटर टॉप अटैच। एनी डाउट? एनी डाउट? समझ लो अभी अपर कैबिनेट्स डालने, मुझे क्या डालना है? अपर कैबिनेट्स। अपर कैबिनेट्स डालने के लिए फिर से आर्किटेक्चर्स में कंपोनेंट में लोड फैमिली, लोड फैमिली यहाँ पे अपसाइड जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉल कैबिनेट्स, वॉल कैबिनेट्स में व्यू में थंबनेल्स बोलता हूँ। सो मुझे समझ, कॉर्नर वाला चाहिए, कॉर्नर वाला
बिग वाला चाहिए तो ले सकते हैं, छोटा वाला चाहिए तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सबको लोड करता हूँ, ओपन देता हूँ। लोड फैमिली, स्पेस बार दो, यहाँ पे क्लिक कर दो, इसको लाइन कर देना, ये वाला लाइन। और ये सिलेक्ट कर दो लाइन, 3D में जाके देखो और ये वर्टिकल आया। लाइन इसको थोड़ा इसको स्किप देता हूँ, सिलेक्ट ओके। अभी इसका हाइट आपको चेंज करना है, क्या करना है हाइट, तो यहाँ पे देखो एलिवेशन आता है, कितना एलिवेशन रखना आप रख सकते हैं ओके। एक का एलिवेशन चेंज करेंगे, सब जितने भी कैबिनेट है उसका एलिवेशन आप मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं समझ लो 6 फीट रख दिया मैंने, आप लाए तो ऊपर चला जाएगा, देखो फ्लोर से 6 फीट जाएगा। हाँ फ्लोर से, सेक्शन में देखो, सेक्शन में हाइट दिखेगा बॉटम से, ये वाला बॉटम से इधर से ओके। ओके फिर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट में लोड फैमिली, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैबिनेट्स को लोड करता हूँ मैं, ओपन देता हूँ। ओके यहाँ पे देखो, इधर जो दिखेगा नहीं फिलर है, इसको लोड दें, ग्लास वाले कैबिनेट को लोड करते हैं, तीन ये तीनों को लोड करते हैं, ओपन ओके। सो ये वाला कैबिनेट है, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर जाके इसको इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिक करो ओके। यहाँ पे क्लिक करना है, वॉल के ऊपर ही अटैच हो जाएगा, देखो क्लिक करता हूँ, इसका विड्थ है 300 500, ये वाला 600 का लेता हूँ मैं, सिंगल डोर ओके। अलाइन कर देते हैं, अलाइन यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके। सो यहाँ पे छोटा कैबिनेट डालना है, तो फिर से हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सी एस क्रिएट से मिला और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। सो मैं इसका वेट चेंज करता हूँ, मैं 600 से मैं 300 लेता हूँ, ए एल एल लाइन ओके। सो इधर फीलर यूज़ करना, बहुत बड़ा फीलर आएगा, इसको हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं, डी आई ओके। जो सी एस क्रिएट से मिला ऑनलाइन, जैसे मतलब कंप्लीट फिलर डालना है तो फिलर डाल सकते हैं, सिलेक्ट किया सी एस, इसका भी तो वो बढ़ा सकते हैं ना, बड़ा इसको बड़ा बढ़ा सकते हैं, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप में गया, समझ लो डुप्लीकेट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे कितना विड्थ है समझ लो 1 फीट 6 इंचेस का करते हैं, विड्थ 1 फीट 6 इंचेस ओके ओके करता हूँ मैं, 1 फीट 6 ओके बढ़ गया, इसको डिलीट करता हूँ समझ लो, ए एल एल लाइन ओके। फिर हम लोग सिलेक्ट करते सी एस क्रिएट से मिला और यहाँ से फिलर लेता, अपर कैबिनेट फिलर चाहिए, बेस कैबिनेट वाला नहीं, सो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको फिलर बोर्ड, अलाइन करो ए एल अलाइन ओके। अगेन ये वाला विड्थ मेजर करो, डी आई डिस्टेंस यहाँ से लेके कितना है के 1.5 इंच है ओके। सो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, एडिट टाइप में डुप्लीकेट 1.5 इंच ओके। सो यहाँ पे विड्थ कितना चाहिए, 0 स्पेस 1.5 है बराबर ओके। देन आई मेक इट अलाइन, ए एल अलाइन पे अलाइन कर दिया, 3D में जाके देखते हैं हम लोग, क्लियर
हम लोग का जैसा शेल्फ रहेगा वैसा हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। इस साइड कंप्लीट कर लेना आप। लेवल वन अगेन क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको अलाइन करते हैं, हेयर अलाइन क्लिक क्लिक, ओके, फिर से एल अलाइन, ओके। सो यहाँ पे जितना डिस्टेंस का चाहिए यू कैन इंसर्ट। सो इसको समझ लो सी एस क्रिएट सिमिलर बोलता हूँ, और एक इंसर्ट कर दे यहाँ पे, समझ लो एल अलाइन कर देता हूँ। सो दैट इज योर किचन, ओके। डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल कैबिनेट्स कैसा बनाना हम लोग फैमिली में सीखेंगे। पिलर हम लोग के पास जो भी है वॉल कैबिनेट्स वी आर इंसर्टेड होगी, ओके। एनी डाउट? अभी यहाँ पे मुझे सिंक ऐड करना है, क्या करना है, सिंक ऐड करना है। सो लेवल वन में जाता हूँ, यहाँ पे सिंक आ रहा है, बरा ना। अभी सिंक का पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे देखो सिंक लोकेशन बोल रहा है कितना, 3 feet 7 19 सिंक लोकेशन, सिंक लोकेशन टू वॉल, सिंक ओपनिंग डेप्थ, सिंक ओपनिंग विड्थ, यानी आपको चेक करना है। तो डी आई डायमेंशन लो और यहाँ पे देखो, यहाँ से इधर से लिया कितना है, 519 by 20, 29 by 32 जीरो स्पेस, यहाँ पे सिंक लोकेशन टू वॉल, सो यहाँ पे आएगा, ओके। ये वाला थिकनेस चेंज कर, सो नाउ वी हैव टू चेंज द डिस्टेंस चेंज कर। पहले सिंक लोड करते हैं हम लोग। सिंक लोड करने के लिए क्या करते हैं, कंपोनेंट में लोड फैमिली देना, ओके। यहाँ पे प्लम्बिंग में जाना, आर्किटेक्चर्स में जाना, सिंक्स में जाना, ओके। व्यू में थंबनेल बोलता हूँ मैं। सो हम लोग को एम सिंक ये वाला चाहिए, ये वाला लो। किचन के लिए ये वाला चाहिए तो ये वाला लो। यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा वही लोड करना। सो इसको मैं करता हूँ ओपन, देता हूँ क्या देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं हम लोग को जिधर प्लेस करना। नाउ वी हैव टू मैच अप द सिंक, सिंक को कैसा मैच करना है अभी मैं ये हम लोग सीखेंगे अभी। यहाँ पे देखो सिंक यहाँ पे तो मैच हो गया, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ओके, ये वाला सिंक है। विड्थ में तो मैच हो गया, लेकिन यहाँ पे विड्थ में मैच हो गया, लेकिन ये वाला विड्थ में नहीं मैच हो रहा, लेंथ में नहीं मैच हो रहा। लेंथ में मैच करने के लिए मैं डी आर डिस्टेंस लेता हूँ, ओरिजिनल सिंक का विड्थ लेता हूँ कितना है, कितना है, 2 feet 229 by 32 याद रहेगा, 2 feet 229 by 32। सो मुझे क्या करना है, ये वाला उसका विड्थ चेंज करना है, सिंक लोकेशन, सिंक ओनिंग, सिंक डेप्थ और सिंक ओपनिंग विड्थ, ओके। सो ये वाला ओपनिंग विड्थ है कितना चाहिए हम लोग को, 2 feet 2 space 29 by 32, ओके, आ गया। अप्लाई करना है, अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा, यहाँ पे 3D में जाओ, सो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, बराबर। यहाँ पे मैं इसको अलाइन करता हूँ, पहला एल अलाइन, देखो विड्थ मैच हो गया, ओके। नाउ लेवल वन में जाता हूँ फिर से मैं, यहाँ पे डी आई डायमेंशंस लेते हैं और इसका डेप्थ देखते हैं हम लोग कितना है, 1 feet 3 1 by 16, तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। फिर से हम लोग क्या करते हैं, काउंटर टॉप को सिलेक्ट करते हैं, ये वाला डेप्थ है कितना है, 1 feet 3 1 by 16, एंटर किया, अप्लाई, 3D में जाता हूँ। सो यहाँ पे इधर आया, नाउ वी विल अप्लाई एल अलाइन, सिलेक्ट करो इसको, रिवल फेस को मैच कर दो, हो गया सिंक मैच हो गया। सो ये आपका सिंक यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन पे आ जाएगा वे यू वांट टू बी। सिंक आपका यहाँ से लेंथ आपको मॉडिफाई करना है कि ये इधर नहीं चाहिए, इधर से इधर तक चाहिए, ओके। समझ ये कॉर्नर वाले लोकेशन में हम लोगों ने बेस कैबिनेट उस टाइप का डाला है और उधर हम लोग का सिंक लोकेशन है, नॉट इन द मिड ऑफ दैट वन। सो लेवल वन लेता हूँ, ये वाला ना 2D नोमेनक्लेचर है ना, इसका थोड़ा गड़बड़ है, इसकी वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर प्रॉपर रहता तो ये 2D में भी
उसका ओपनिंग और उधर मैच हो जाता। अभी हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल इसको लेते हैं सिंक लोकेशन। ओके, सिंक लोकेशन कितना 3 फीट दिया है, समझ लो हम लोग को यहाँ पे डी आई डिस्टेंस लेते हैं, समझ लो अप्रोक्सीमेट इधर से इधर तक चाहिए, समझ लो इधर तक चाहिए, तो कितना डिस्टेंस है 6 फीट 10, यानी समझ लो 7 फीट के ऊपर अप्रोक्सीमेट लोकेशन लेना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंक लोकेशन कितना लेते हैं 7 फीट लिया मैंने। अप्लाई, 3D में ओपनिंग किधर गया देखो, यहाँ पे आया। What you have to do right now? Align, AL align. You have to select this face and you have to select this face. Just align it. So your sync location will be get shifted. ये तो पूरा काउंटर ही कर गया। उसका खाली लोकेशन चेंज करेंगे ना ओपनिंग का, तो वो शिफ्ट हो जाता है, वो शिफ्ट हो जाएगा, सो यू कैन इजिली डिटेक्ट वेयर इट इज। Easy. बाकी मटेरियल वेटेरियल चेंज करना है तो आप सिलेक्ट करके मटेरियल चेंज करना, एडिट टाइप में डुप्लीकेट क्रिएट करो, काउंटर टॉप मटेरियल यूज करो, क्या यूज करना आप यूज करो, अप्लाई करो, नो इश्यू। इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मटेरियल को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, जो चाहिए वो हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है, कुछ डाउट किचन में? अभी इसके ऊपर भी एक स्टेप जाएगा ना, यानी इसके ऊपर भी चाहिए तो इसका हाइट चेंज करो खाली, और एक चाहिए इसके ऊपर, इसके ऊपर एक और चाहिए, दो एक और आएगा ना। हाँ तो वो चाहिए, तो इसको खाली हाइट चेंज करना आपको, वॉल कैबिनेट ही आएगा, ये जो वॉल कैबिनेट है ना, ये वॉल कैबिनेट है ना, वही आएगा, खाली उसका हाइट चेंज हो जाएगा, एलिवेशन चेंज हो जाएगा। एलिवेशन यानी क्या, सिंपल बताता, देखो यहाँ पे मैं सेक्शन लिया मैंने, इसको फ्लिप करता हूँ मैं, फ्लिप यहाँ पे राइट क्लिक, गो टू व्यू करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो बराबर ना, इसके ऊपर एक चाहिए बराबर ना, तो यहाँ पे क्या करना आपको, CS क्रिएट सिमिलर देना, इसको हाइट डाल दो, कितना चाहिए 7 फीट डाल दिया, और जस्ट इंसर्ट इट, इसका हाइट डाल दो 7 फीट, ये आपको अलाइन करना है तो अलाइन कर दो इसके साथ, समझ में आ रहा है क्या? वो वॉल कैबिनेट ही आएगा इसके ऊपर, अगर अलाइन करना है इसके ऊपर ही सेम अटैच करके ही चाहिए तो अटैच करके रखो, 3D में जाएंगे तो इट विल बी सीन लाइक दिस। और ये दोनों के बीच में अगर हमको गैप देके फिल करना है तो फिल यूज करना पड़ेगा? नहीं, फिलर वर्टिकल आता है, हॉरिजॉन्टल नहीं आता। हाँ आप फिलर यूज भी कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन उसको फिर क्या करना, हाइट चेंज करना पड़ेगा, यानी अभी इसके बीच में फिलर डालना आपको, समझ लो फिलर हमको बाहर लेना पड़ेगा। हाँ बराबर है, एक्चुअली अभी इसमें फिलर डालना है, समझ लो हम लोग यहाँ पे सेक्शन में डालता हूँ, समझ लो राइट क्लिक, गो टू व्यू करता हूँ, और ये गैप है, समझ लो गैप डिस्टेंस ले, देखते हैं हम लोग कितने का है, 5/1/4 का बराबर ना। सो लेवल 1 में गया मैं, और समझ लो यहाँ पे मैं, ये फिलर है ना अपना, है ना, CS क्रिएट सिमिलर दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने फिलर इधर यूज किया, कौन सा फिलर है, बेस कैबिनेट का है ना, टॉप कैबिनेट का चाहिए, सो कंपोनेंट में लेता हूँ मैं, यहाँ पे फिलर बेस का, टॉप का किधर है, हाँ अपर कैबिनेट फिलर बोल, ओके सो इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैंने यूज़ कर दिया बराबर ना। अभी ये जो यूज़ किया मैंने, टैब दबाता हूँ, इसको एडिट टाइप में जाके इसका हाइट चेंज करना पड़ेगा आपको, हाइट चेंज करना पड़ेगा, हाँ हाइट चेंज करो, विड्थ बढ़ा दो, वो ऊपर आप उसको फिल करके रख सकते हैं, कितना हाइट था अपना, गैप कितना था, 1/4 था, अप्लाई, ओके ठीक है। सो मैं सेक्शन में फिर से जाता हूँ, राइटली गो टू व्यू आया, उतना ही है ना, 3D व्यू में जाता हूँ, उसको फिलर आ गया, एडिट टाइम 0 space 5/1/4 space 1/4, यहाँ पे स्पेस डालना है, 0 inch है, फीट है, 5 inch है, और स्पेस देके फ्रैक्शन डालना आपको, अप्लाई करता हूँ मैं, ओके ये नीचे आए यहाँ पे बराबर है। अभी इसको एलिवेशन दो, 7 feet पे था ना, 7 feet डाल दिया तो 7 feet पे आएगा, अप्लाई, इधर आ गया, अभी इसको नीचे रखना है ना,
सो मतलब हम लोग एलिवेशन में जाके अलाइन करेंगे, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू बी. सो यहाँ पे मैं एलिवेशन में जाता हूँ, उसको थोड़ा नीचे लेते हैं तो अलाइन करने के लिए ए एल अलाइन, क्लिक क्लिक, अलाइन हो गया. अब इसका विड्थ चेक करो कितना है, डी आई डिस्टेंस, डी आई टैप दबा तो इधर से इधर तक कितना है चेक करो, 9 8 इंच. अभी हम लोगों ने ये सेम को मॉडिफाई किया, डुप्लीकेट करना चाहिए था, इधर ये जो फिलर है उसको ही मॉडिफाई किया हम लोगों ने, उसकी वजह से ये भी चेंज हो गया देखो. ओके ठीक है, सो डिस्टेंस लेते हम लोग, यहाँ पे टैप दबाता हूँ सीधर से इधर तक टैप दबा में कितना है 9 feet 8 inches. सो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, हाँ इसको डुप्लीकेट करता हूँ, कितना है विड्थ कितना है 9 feet 8. अलाइन कर देना टैम, यहाँ पे क्लिक कर दो सेम, यूज इट एज अ फिलर, ये फिलर हो जाएगा, यहाँ पे पूरा कैबिनेट हो जाएगा तो बीच में गैप दिखेगा पूरा. क्लियर है, एनी डाउट? अपर कैबिनेट समझ में? सो कंप्लीट टॉल यूनिट्स आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है तो भी आप इंसर्ट कर सकते हैं. लेवल 1 में जाता हूँ, फिर हम लोग आर्किटेक्चर्स में जाते हैं, कंपोनेंट में लोड फैमिली दिया मैंने, कहाँ पे जाने के लिए बोला था मैंने, आर्किटेक्चर में, सॉरी यहाँ पे आप करना, यहाँ पे केस वर टॉल कैबिनेट्स, एम टॉल कैबिनेट्स जो भी है यहाँ पे इंसर्ट कर दो. ओके यहाँ पे इधर क्लिक करता हूँ, ओके यहाँ पे स्पेस दो, स्पेस दो, स्पेस स्पेस, यहाँ पे हम लोग टॉल कैबिनेट इंसर्ट कर सकते, 3D में जाएगा ये टॉल कैबिनेट सब, डिफरेंट काइंड ऑफ टॉल कैबिनेट से तो भी यूज़ कर सकते हैं. समझ लो फ्रिज डालना, कंपोनेंट में जाना, लोअर फैमिली में जाना, यहाँ पे स्पेशलिटी इक्विपमेंट्स में जाना, डोमेस्टिक में जाना, माइक्रोवेव, किचन, स्मॉल, किधर है रेफ्रिजरेटर, कुठे रे नीचे, हाँ एम रेफ्रिजरेटर ओपन कर दो, और यहाँ पे लेवल 1 में जाके इंसर्ट कर दे, बेस्ट कंपोनेंट एम रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे रखना है, जिधर भी रखना आप रखो, 3D में जाते हैं रेफ्रिजरेटर. अपन बना सकते हैं, दो एंड में सिखाएगा मैं, फिलहाल रेडीमेड यूज करो. ओके इसमें आप एडिट कर दो ना, आपको जो विड्थ चाहिए, हाइट चाहिए, जो भी चाहिए ना, मटेरियल आपको मॉडिफाई करना, मॉडिफाई करो, आपको जैसे मॉडिफिकेशन चाहिए वैसे मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हो. ओके कुछ डाउट पूछना है किसी को? Any doubt? Any doubt? What? Shall I close this one? Okay, thank you.